वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई कानून। सीमा हैदर और सचिन मीणा से एटीएस ने 2 दिन में करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम जानकारी मिली और अब इन्हीं जानकारी को लेकर सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। वहीं सीमा हैदर को लेकर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है, ये मामला 2 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है, जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। स्पेशल डीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये भी कहा कि सीमा को बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है इसके लिए पहले से कानून तय है, डिपोर्ट करेंगे या नहीं ये एजेंसी देखेगी, सुरक्षा में कहीं भी चूक नहीं है, नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है। मैंने कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें।